नमस्ते सदा वसले मातृभूमि में, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, क्या भारत मिराज 2000 फाइटर जेट्स को तेजस मार्क 2 से बदलने की तैयारी कर रहा है? क्या एलसीए तेजस मार्क 2 युद्ध सिद्ध डेसॉल्ट फाइटर जेट का एक योग्य उत्तराधिकारी है, यानी कि सक्सेसर है? एक विश्लेषण है जो आपको जानना बेहद जरूरी हो जाता है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना तेजस मार्क 2 के 6 स्क्वाड्रन खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है, जिस पर वर्तमान में काम चल रहा है, और जब इनका उत्पादन शुरू हो जाएगा तो वायुसेना बड़ी संख्या में इनके ऑर्डर दे सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं मिराज 2000 फाइटर जेट्स की। दोस्तों, मिराज 2000 फाइटर जेट्स का भारतीय वायुसेना के साथ एक लंबा इतिहास रहा है। बता दें कि मिराज 2000 और जागुआर विमान अगले 10 सालों में चरणबद्ध तरीके से रिटायर हो जाएंगे और इनकी जगह लेगा तेजस मार्क 2। और दोस्तों, ये दोनों ही विमान पिछले कई सालों से भारतीय वायुसेना में है और भारतीय वायुसेना में मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने अपना असाधारण परिचालन रिकॉर्ड बनाकर रखा है। और फरवरी 2019 में 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने पहली बार LOC को क्रॉस करके जैश ए मोहम्मद के आतंकी लॉन्च पैड्स को खत्म किया था, इसीलिए मिराज 2000 के प्रदर्शन की सराहना की जाती है। इसके अलावा पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में और चीन के साथ चल रहे तनाव के बाद भारत ने मिराज 2000 और जागुआर और सुखोई 30 MKI को LAC पर तैनात कर दिया था। वहीं दोस्तों, फ्रांस की वायुसेना की अगर बात करते हैं, वो अपने बेड़े से मिराज 2000 फाइटर जेट्स को हटा चुकी है, उसकी जगह उसने 4.5 पीढ़ी के राफेल विमानों को रखना शुरू कर दिया है। दरअसल दोस्तों, 2021 में एक रिपोर्ट भी आई थी जब भारतीय वायुसेना ने फ्रांस की वायुसेना में 2 दर्जन से अधिक जो मिराज 2000 है उन विमानों के स्पेयर पार्ट्स को प्राप्त करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। और यही नहीं, इनमें से 2 लड़ाकू विमान 2021 में भारतीय वायुसेना में भी शामिल हुए थे। 3 दशक से अधिक सेवा में मौजूद ये विमान आज भी उपयोगी और युद्ध सिद्ध मशीन है। दोस्तों, अब यहाँ पर विश्लेषण करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि तेजस मार्क 2 विमान जो कि भारतीय वायुसेना में लड़ाकू सक्षम मिराज 2000 को बदलेगा, ये वाकई में ऐसा कर पाएगा? दरअसल अगर दोनों ही फाइटर जेट्स के कंपैरिजन की बात करते हैं, तेजस मार्क 2 और मिराज 2000 की, पहले बात करते हैं हम मिराज 2000 की। मिराज 2000 भी एक मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर जेट है। ये सिंगल सीट और 2 सीट वाले वेरियंट में आता है। भारतीय वायुसेना में इसे 1985 में शामिल किया गया था। इसके विपरीत HAL के द्वारा निर्मित भारत का स्वदेशी तेजस मार्क 2 ये भी एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो कि अभी HAL के हैंगर पर है और 2026 से पहले ये रोल आउट नहीं होगा। वहीं मिराज 2000 की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई 14.3 मीटर है, पंखों की लंबाई 9.1 मीटर और ऊंचाई 5.2 मीटर है। इसमें एक स्कीमा M53P2 टर्बोफैन इंजन लगा है जो कि 95 किलो न्यूटन थ्रस्ट पावर पैदा करता है। इसके विपरीत तेजस मार्क 2 की अगर हम बात करते हैं तो ये एक मध्यम वजन वाला विमान है जो मिराज से थोड़ा बड़ा है, जिसकी कुल लंबाई 14.6 मीटर है, एक छोटा पंख है और प्रत्येक की ऊंचाई करीबन 8.5 मीटर और 4.86 मीटर है। तेजस मार्क 2 में GEF414INS6 इंजन लगा होगा जो कि 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करेगा जो मिराज से अधिक होगा। भले ही विमान को हल्के लड़ाकू विमान के रूप में देखा गया है, लेकिन शक्तिशाली इंजन ने इसे मध्यम वजन वाले लड़ाकू जेट में बदल दिया है। दोस्तों, मिराज 2000 लड़ाकू विमान की अगर स्पीड की बात करते हैं तो वो है Mach 2.2 और इसकी फेरी रेंज है 3,335 किलोमीटर, जबकि तेजस MK2 की स्पीड Mach 1.8 होगी और इसकी 3,500 किलोमीटर की बढ़ी हुई फेरी रेंज होगी जो कि मिराज 2000 से ज्यादा है। मिराज 2000 में 2 30 mm की बंदूकें हैं, हवा से हवा मार करने वाली मिसाइलें हैं, MBDA की Mica IR/RF, Matra R550 Magic 2 और Matra Super 530D इसमें लगी हुई है। इसके हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों में AM.39 EXOSAT, AS-30L लेजर गाइडेड मिसाइल और ASMP टेक्टिकल न्यूक्लियर क्रूज मिसाइलें इसमें शामिल है। साथ ही इस फाइटर जेट में MK-82 बॉम्ब भी फिट हो सकते हैं। वहीं तेजस मार्क 2 की बात करते हैं तो इस वेरिएंट में स्कैल्प, क्रिस्टल मेज, स्पाइस 2000 लगाई जाएंगी। इसके अलावा इस स्वदेशी फाइटर जेट में स्वदेशी मिसाइलें भी लगाई जाएंगी, जिसमें की देसी Astra Mark 1, Astra Mark 2, इसके अलावा इसमें रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल लगाई जाएगी। बता दें कि शक्तिशाली इंजन होने के कारण तेजस मार्क 2 16.5 टन वजन के साथ उड़ान भर सकता है। इसके अलावा ये अपने साथ 10 टन का वजन और 6.5 टन का भारी पेलोड भी ले जा सकता है और इसीलिए तेजस मार्क 2 विमान कई मायनों में मिराज 2000 की क्षमताओं से आगे निकलता है। इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तम ISR रडार जो कि मेड इन इंडिया उपकरण है, तेजस MK2 में इसे ही लगाया जा रहा है और ये स्वदेशी रडार काफी मैच्योर है। इससे पहले दोस्तों, हम तेजस फाइटर जेट्स में इजरायली निर्मित रडार को लगा रहे थे, जिसे अब धीरे धीरे बदला जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों, ये भी दावा किया जाता है कि उत्तम रडार दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रयासों को भी पहचान सकता है और उनका प्रतिकार भी कर सकता है, जो इस लड़ाकू जेट को युद्ध क्षमता में काफी आगे बढ़ा देता है। क्योंकि दोस्तों, भारत के अलावा अमेरिका, यूरोपीय संघ, इसराइल और चीन के पास ISR रडार की क्षमता है। ये भारत को चीन के साथ क्षेत्र में एक शक्ति संतुलन बनाने की अनुमति देगा, जो हाल ही में LAC के करीब अपने फाइटर जेट उड़ा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा तेजस मार्क 2 में सबसे खास विशेषता रहेगी इसमें ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम। LCA तेजस उड़ाने वाले भारतीय वायुसेना के पायलटों के लिए DRDO ने इसे
अपनी तकनीक से तैयार किया है, ताकि उच्च ऊंचाई पर ऑक्सीजन के स्तर में तेजी से गिरावट का मुकाबला करने के लिए इस तकनीक का उपयोग फाइटर जेट के कॉकपिट में किया जाएगा। दोस्तों तेजस मार्क टू कैनार्ड से लेस होगा और ये अपने साथ 6500 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। और तेजस मार्क टू में पेलोड ले जाने के लिए 11 हार्ड पॉइंट्स होंगे, जिसमें प्रत्येक विंग टिप पर ASRAM एयर टू एयर मिसाइल हार्ड पॉइंट शामिल होगा और हर तरफ 3 अंडर विंग पायलॉन्स होंगे, जिसमें ईंधन ड्रॉप टैंक यानी कि फ्यूल ड्रॉप टैंक के लिए एक वेट स्टेशन भी होगा और अस्त्रा और रुद्रम जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए 3 हार्ड पॉइंट्स होंगे, जो कि मिराज 2000 के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें कि 9 हार्ड पॉइंट्स हैं। हालांकि दोस्तों भारत ने इसे अपग्रेड भी किया है, लेकिन फिर भी ये तेजस मार्क 2 के आसपास नहीं टिकता है। दरअसल दोस्तों भारतीय वायुसेना का मिराज 2000 विमान को पाकिस्तानी F-16 के खिलाफ भारत ने खड़ा किया, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे पाकिस्तान ने अपने हथियारों को उन्नत किया, जिस वजह से भारत ने पहले तो मिराज 2000 को अपग्रेड भी किया। हालांकि तेजस मार्क 2 के साथ चीजों में एक अलग मोड़ आ जाएगा। दोस्तों तेजस मार्क 2 का एक नया ग्लास कॉकपिट होगा, जिसमें कि 8x12 इंच की मल्टीफंक्शन डिस्प्ले लगी होगी, ISR रडार को सपोर्ट करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि 2040 तक हम पुराने जागवार और मिराज के लगभग पूरे बेड़े को तेजस मार्क 2 से बदल देंगे। भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद मिराज 2000 विमान ने देश की अच्छी सेवा की है और यही कारण है कि भारत इसके पुर्जों और रखरखाव के लिए चरणबद्ध तरीके से विमान खरीद रहा है और जब ये रिटायर हो जाएंगे तो तेजस मार्क 2 इनकी जगह तो लेगा ही, साथ ही एक मजबूती से इनकी जगह लेगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मैं तो नेवड़े के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।